यूपी के चंदौली जिले में हौसला बुलंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर गोली चलाई। वारदात को अंजाम देने के बाद फिल्मी अंदाज में बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद से हड़कंप मच गया। मौके पर जिला के शीर्ष पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है। सैयद राजा निवासी भूप सिंह के पेट्रोल पंप सहित कई कारोबार हैं। उनके कर्मचारी इस्लाम और वीके श्रीवास्तव कार से 13,30,000 रुपए लेकर सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब बाजार स्थित स्टेट बैंक के पास पहुंचे। कार से उतरकर दोनों बैग लेकर जैसे ही बैंक की ओर बढ़े तो अचानक से बाइक सवार दो बदमाशों ने बैग पर झपट्टा मारा। बैग नहीं छोड़ने पर बदमाशों ने गोली चलाई जो इस्लाम के पैर को छू कर निकल गई। दहशत के कारण उन्होंने बैग छोड़ दिया। बदमाश असलहा लहराते बैग लेकर नेशनल हाईवे की तरफ भाग गए। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। अभी आपके साथ लूट कांड हुआ है बैंक के बाहर, कैसे हुआ? सर हम लोग कंपनी के वहाँ से पैसा जमा करने गए थे। हाँ अपना बैंक से। हाँ यहाँ खड़ा हुई हम लोग, दो लोग थे। हाँ एक लोग आगे चले, हम लोग साथ में चले थे। कैसे आए थे, मोटरसाइकिल से? किस मोटरसाइकिल से? नहीं पैदल थे। पैदल थे ठीक। पिस्तल निकाले। हाँ हमारे पैर में मारे हमारे हाथ में 13,30,000 रुपया था। हाँ वो पकड़े, वो एक हाथ से पकड़े, एक हाथ से पिस्तल चलाने। आप उनको पहचाने या कुछ ऐसा? नहीं सर हम उनको कोई। अच्छा फिर मोटरसाइकिल से फरार हुए। कितने लोग थे टोटल? दो लोग थे। आपने दो लोगों को देखा था? सर क्या घटना हुई है? अभी लूट का मैसेज आया है सर। एक लूट की घटना हुई है, सूचना उसकी मिली है। 13,30,000 रुपये लूटे जाने की बात बताई जा रही है। पुलिस उसकी जाँच कर रही है। हम लोग सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं और लोग लगे हैं जल्दी घटना। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर जी? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? प्रथम दृष्टया घटना की बात बताई जा रही है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच में जैसा मिलेगा। कर्मचारी पैसे लेकर कहाँ जा रहा था? कर्मचारी उनका बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे। जयसवाल पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे और बैंक के सामने ही सड़क के किनारे बताई गई घटना। पूछताछ के दौरान कर्मचारी ने कुछ बताया होगा? वो बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर गोली भी सर इसकी भी बात बताई जा रही है, खरोच है उनके पैर में। गोली लगने की पुष्टि नहीं है सर? अभी गोली लगने की कोई पुष्टि नहीं, मेडिकल करवा लेते हैं, मेडिकल के बाद प्रमाणित होगा कि किस चीज़ की चोट है, कैसी चोट है। मौका मुआयना से सर आप? हाँ सभी लोग हैं। कुछ मिला वो गोली का खोखा वगैरह कुछ? उसकी जाँच चल रही है, बताएंगे।